सुरक्षा एक यात्रा है, मंजिल नहीं। वास्तव में ये स्वयं जीवन जैसा है। भले ही हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम बीमार पड़ते हैं। ये हमें इस बात से अवगत कराता है कि जब हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई है जिसके पास अधिक नियंत्रण है हमारे आसपास की चीजों पर। हम अक्सर उसे कई नामों से पुकारते हैं, जैसे भगवान, भगवान या निर्माता। क्या इसका मतलब है हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में हमारा भाग और क्वोट प्रयास और क्वोट करना है, और क्वोट भाग्य और क्वोट का पहलू हमारे प्रभु के हाथ में होना है। हम जो भी करें, मौत अपना काम करेगी। क्या इसका मतलब है हमें डॉक्टर को नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि और क्वोट भगवान ने बीमारियां बनाई तो उन्होंने इलाज भी बनाया, और क्वोट ये हम पर है प्रयास करने के लिए, इलाज खोजने के लिए, जब तक कि यह मृत्यु के लिए ना हो। वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं उसका बहुत आध्यात्मिक पहलू है। दरअसल इंसान के तौर पर हम आगे बढ़े हैं अपनी गलतियों की वजह से। हमने गलतियों से सीखा और उनमें सुधार किया, लेकिन अगर हमें पता होता कोई खतरा नहीं होता तो हम बन जाते संतुष्ट। यही वो समय है जब हम पर खतरा मंडराता है। इससे ये सिद्ध होता है कि लाख प्रयत्न करने पर भी कभी कभी दुर्घटना हो ही जाती है, जैसा कि हर्बर्ट हूवर ने ठीक ही कहा था। जब हम दोनों सिरों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरे सिरे को हिलाता है। यह उद्धरण ये सब कहता है, जीवन गहरे समुद्र में हिलती हुई नाव की तरह है। हम निरंतर खतरे की स्थिति में रहते हैं कि यह टूट सकता है, लेकिन हमें एक आशा भी है कि हम सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसी तरह सुरक्षा अलग नहीं है। इसलिए पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। इसके लिए जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम निरंतर बेचैनी की स्थिति में रहते हैं। शालीनता के खिलाफ लगातार लड़ाई और सुरक्षा की यात्रा जारी है। ICAO सुरक्षा की एक सार्वभौमिक परिभाषा प्रदान करता है। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें विमानन गतिविधियों से जुड़े जोखिम विमान के संचालन के प्रत्यक्ष समर्थन में से संबंधित कम किए जाते हैं और एक स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित होते हैं। इसलिए हर संस्था को चाहिए वो करना जारी रखें जो वो संभवतः कर सकता है, जोखिमों का प्रबंधन करने और सुरक्षा हासिल करने के लिए। इस प्रकार दृढ़ता और दृढ़ता के साथ सुरक्षा की इस यात्रा को जारी रखें। यह एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति बनाने में मदद करेगा जहां प्रबंधन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। घटनाओं की स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट और जांच की जाती है। इसके कार्यान्वयन में और सबसे बढ़कर सुरक्षा एक मुख्य मूल्य बन जाती है जिससे समझौता नहीं किया जाता है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहिब ने कहा, तुम में से जो कोई भी बुराई या कुछ बुरा देखता है उसे अपने हाथ से बदलने दो, और यदि वह ऐसा करने में सक्षम न हो तो उसे अपनी जीभ से आवाज उठाकर इसे बदल देना चाहिए, और यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो अपने दिल से बुरा महसूस करके, और वह विश्वास के स्तर का सबसे कमजोर स्तर है। तो आइए इस सिद्धांत को सुरक्षा अभ्यास में लागू करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो USA के नॉम कॉमिच नाम के एक सेफ्टी मैन को समर्पित है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें।